नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाले जाने वाली एक और काफ़ी शानदार भर्ती की अपडेट लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश कृषि विभाग भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कि कृषि विभाग के द्वारा विभिन्न पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी के लिए लगभग 350 प्लस पद देखने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस भर्ती की मुख्य विशेषता यह है कि इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी की कोई भी लिखित परीक्षा यानी कि रिटर्न एग्जाम होने वाला नहीं है, केवल इंटरव्यू के माध्यम के जरिए आप सभी के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपका कोई आवेदन शुल्क भी नहीं लगने वाला है, आप सभी बिल्कुल निःशुल्क ही इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो यदि आप भी इस वैकेंसी हेतु इच्छुक हैं एवं अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो सर्वप्रथम आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई कृषि विभाग न्यू भर्ती 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। जी हां दोस्तों, यदि आप सभी भी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप सभी www.mponline.gov.in या फिर आप सभी mpkrashi.mp.gov.in इन दोनों आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके इस भर्ती के संपूर्ण ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। वहां जाकर भी आप इसको सफलतापूर्वक ही डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों तो यदि अब हम इसके पश्चात इस भर्ती के ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि विभाग की बात करें, तो आप सभी यहाँ पर देख ही सकते होंगे संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत इस न्यू एवं लेटेस्ट वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है। क्योंकि दोस्तों इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को 3/9/2024 यानी कि 3 सितंबर को निकाला गया है, जो कि दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी के लिए कृषि विस्तार अधिकारी एवं सहायक ग्रेड 3 के विभिन्न पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दिया है भर्ती मुख्य रूप से निःशक्त जनों यानी कि दिव्यांग जनों की पदों की पूर्ति हेतु निकाली गई है, लेकिन दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी की दिव्यांगता केवल 30% ही मांगी गई है। यानी कि दोस्तों यदि आप सभी स्वस्थ उम्मीदवार हैं और आप सभी के लिए थोड़ा सा भी कम दिखाई देता है, थोड़ा सा भी कम सुनाई देता है और आप सभी के पास विकलांगता का सर्टिफिकेट है, तो आप सभी भी इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करके एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी के अंतर्गत चयनित हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी का सिलेक्शन केवल इंटरव्यू के माध्यम के जरिए होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी के लिए कोई भी लिखित परीक्षा यानी कि रिटर्न एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, केवल वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम के जरिए आप सभी के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब दोस्तों तो यदि हम इसके पश्चात टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी कि पदों की संख्या की बात करें, तो इसकी जानकारी आप सभी यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुल मिलाकर 353 पदों पर रिलीज किया गया है, जिसके अंतर्गत आपके लिए कृषि विकास अधिकारी यानी कि कृषि विस्तार अधिकारी के कुल मिलाकर 313 पद देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सहायक ग्रेड 3 के आप सभी के लिए कुल मिलाकर 40 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। कैटेगरी वाइज पदों की जानकारी आप सभी यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों तो यदि हम इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि की बात करें, तो आपके लिए बता दें 6/9/2024 यानी कि आज से ही इसकी आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ कर दिया गया है और आप सभी 30/9/2024 यानी कि 30 सितंबर 2024 तक इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आवेदन संशोधन करने की तिथि आप सभी के लिए 3/10/2024 यानी कि 3 अक्टूबर देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों यदि आप सभी के आवेदन फार्म में कोई भी गलती या फिर मिस्टेक हो जाती है, तो आप सभी 3 अक्टूबर तक उस फार्म में सुधार कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर तीसरा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण प्रदान किया गया है, जहां पर बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की उपलब्धता यानी कि आप सभी इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी यहां पर देख ही सकते होंगे जहां पर बताया गया है कि एमपी ऑनलाइन लिमिटेड मध्य प्रदेश भोपाल की वेबसाइट यानी कि www.mponline.gov.in के माध्यम से स्वयं या फिर आप सभी एमपी ऑनलाइन के किसी भी क्विज केंद्र के माध्यम से भी आवेदन पत्र को ऑनलाइन भर सकते हैं।
यानी कि दोस्तों यदि आप सभी स्वयं इस भर्ती हेतु अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी www.mponline.gov.in के माध्यम से इस भर्ती हेतु अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप सभी के नज़दीकी में कोई भी एमपी ऑनलाइन का प्रशिक्षण केंद्र है तो वहां जाकर भी आप सभी कृषि विभाग की इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही आवेदन पत्र को भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए कुछ सामान्य शर्तें निर्धारित की गई हैं जिसको भी आप सभी यहाँ से पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा संबंधी प्रावधान, वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, आहारता एवं परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी इन दोनों आधिकारिक वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएंगी। यानी कि दोस्तों यदि आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं तभी आप सभी कृषि विभाग की इस भर्ती हेतु अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी आयु संबंधित जानकारी या फिर वेतनमान संबंधित जानकारी या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता संबंधित जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी इन दोनों ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके संपूर्ण जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो इसी के साथ अब हम इस वीडियो का समापन करते हैं। यदि आप सभी के लिए इस भर्ती से संबंधित और कोई डाउट है और कोई प्रश्न है तो आप सभी हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे।